पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उसके लिहाज से संवाद करते हैं। इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए। कहते हैं कि बदलाव हो रहा है, नोट बदली के बाद कैशलेस सिस्टम को लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में इकोनॉमी कैशलेस हो, देश में लोगों को चेक या प्लास्टिक करेंसी के माध्यम से कार्य करने की एक शैली बढ़े। लेकिन बीजेपी की कैंटीन में ही हालात अब तक ज्यादा नहीं बदले। कैसे चल रही है वहां की इकोनॉमी जानने के लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय स्थित अन्नपूर्णा कैंटीन में। मैं खड़ा हूं बीजेपी दफ्तर यानी बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड में, और ये हमारे पीछे आप देखिए कि अन्नपूर्णा कैफेटेरिया यानी बीजेपी मुख्यालय में कैंटीन है, और यहां पर हर दिन तमाम लोग खाना खाने आते हैं। देश के दूर दराज हिस्सों से तमाम लोग पहुंचते हैं। हम इस कैंटीन की पड़ताल करेंगे कि यहाँ पर पेमेंट की क्या व्यवस्था है। ये है बीजेपी की कैंटीन, जहाँ पर देखिए कि लोग अभी ये लंच टाइम है और खाना खा रहे हैं। भुगतान की समस्या कैसी है, क्या दिक्कत आ रही नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे नोट जो बैंक्स हैं वो अभी भी 2000 के नोट ही निकाल रहे हैं। फुटकर की समस्या है, आपसे जानना चाहेंगे कि फुटकर की दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, फुटकर की कोई दिक्कत नहीं। कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है तो यहाँ भी सुविधा है, पेटीएम वगैरह? बिल्कुल है, पेटीएम ही किया जा रहा है, यहाँ तक कि गांव में पेटीएम शुरू हो गया धीरे धीरे करके। और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं, और भी लोगों से मैं जानूंगा। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप आए हैं बीजेपी कैंटीन में, मोदी जी ने कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दे रहे हैं, कैसे देखते इस कदम को? ये बहुत ही बढ़िया कदम है, और कैशलेस होने से शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये सबसे सुविधाजनक रहेगा हर किसी के लिए। जैसे एक छोटे छोटे वेंडर होते हैं, जब उनके पास एक मशीन और कार्ड होगा तो सबसे जो चोरी चकेरी चुराना है वो एकदम खत्म सा हो जाएगा। लोग वेलकम कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि कैशलेस इकोनॉमी होगी, अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया जाएगा तो उससे लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जो फुटकर की समस्या बाजार में आ खड़ी हुई है उससे तो छुटकारा मिलता ही है। काले धन के इस्तेमाल पर भी रोक लगती है, फिर चाहे छोटा अमाउंट या फिर बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन हो उसका। हमारे साथ यहाँ जो संचालक हैं कैंटीन के, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह पेमेंट ले रहे हैं? जैसे पेमेंट पेटीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन जो है मशीन जो है वो लगवाने के लिए मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। कार्ड स्वाइप करने की मशीन के लिए आपने आवेदन कर रखा है, जल्दी लग जाएगा, लेकिन फुटकर की कोई दिक्कत काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होगी पेटीएम से ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है? अभी तो सर उतना नहीं जितना होना चाहिए, वो तो थोड़ा बहुत होगा ही सर। और उसके बाद पेटीएम से कलेक्शन आया होगा? अभी मिनिमम जो है 20% जो पेटीएम कर रहे हैं अभी जी। इनका कहना है कि तकरीबन 20% लोग हैं ऐसे आते हैं लगभग कैंटीन में जो पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी पेटीएम से भुगतान कर रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि पेटीएम इस कैंटीन में यानी बीजेपी की कैंटीन में पेटीएम काम कर रहा है, लोग पेटीएम से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन जो कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है उस मशीन के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है, और इनका कहना है कि जल्द ही वो मशीन भी यहाँ काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद जो एक मकसद है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, उसी दिशा में बीजेपी की कैंटीन में भी वही एक कवायद देखने को मिल रही है। तो ये तो थे कैंटीन के हालात, अब जरा बीजेपी मुख्यालय स्थित इस दुकान पर भी नजर डालिए। बीजेपी मुख्यालय में ही एक ये दुकान है, यानी इस स्टोर में बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी तमाम किताबें, बीजेपी का जो प्रचार सामग्री है वो यहाँ पर बेची जाती है, और तमाम जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते हैं वो यहाँ से अलग अलग तरह की प्रचार सामग्री भी खरीदते हैं, वो साहित्य भी यहाँ पर उपलब्ध है बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है। और आप देखिए कि बीजेपी के तमाम जो पुराने नेता रहे हैं उनसे जुड़ी किताबें हैं, तमाम जो
अभी राजनीति में हैं, उन्होंने भी तमाम किताबें लिखी हैं, वो भी यहाँ पर एक कलेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा झंडे, बैनर और नेताओं की फ़ोटो, ये सब सामान भी इस स्टोर में रखा जाता है। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भुगतान की कोई समस्या है कि नहीं, ट्रांजेक्शन की कोई समस्या है कि नहीं, क्योंकि फुटकर की भी समस्या से कहीं ना कहीं लोग जूझ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बड़े नोट एटीएम निकाल रहा है, बहुत सारे एटीएम है जो भी 500 के नोट भी नहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसे में इस दुकान पर क्या व्यवस्था है, क्या ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है? मैं तो अभी सामान लिया हूँ, अभी तो इनको पेमेंट दूंगा, अगर ऑनलाइन की सुविधा नहीं होगी तो कैश देंगे। अब कोई समस्या आ रही है फुटकर की पेमेंट करने में? कोई समस्या नहीं है जी। हाँ, क्या समस्या है? देश के लिए समस्या है तो कोई बात नहीं है, देश आगे बढ़े, बस हम लोग यही चाहते हैं। मोदी जी की कोशिश ये है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, ऑनलाइन हो, जिससे सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें, किसने किसको कितना भुगतान किया है। कैसे देखते हैं इस कदम को, और आप मानते हैं कि छोटी छोटी दुकानों में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे कार्ड स्वाइपिंग की हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हो? देखिए, आज पूरा देश और पूरी दुनिया कंप्यूटराइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी है, इसलिए कैशलेस व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें कैश लेकर के जाना नहीं पड़ेगा, हमें कार्ड से ही हमारा काम चल जाएगा। और मोदी जी का ये निर्णय तो ऐतिहासिक है, देश हित में है, और देश हित में जो ये निर्णय लिया गया है इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। थोड़ी अगर कष्ट भी है, लेकिन देश से बड़ा एक कष्ट नहीं है, देश आगे बढ़े ये सबका संकल्प है और सबकी सोच है, इसलिए थोड़ा कष्ट भी सह करके देश की जनता मोदी जी के इस निर्णय के साथ साथ में है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ऐसी है जो गाँव में रहती है, जिनके हाथों में भी स्मार्टफोन नहीं है, कैशलेस ट्रांजेक्शन की जो कोशिश है वो कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? वो अगर प्रयत्न होगा तो, जैसे मोबाइल पहले किसी में नहीं था, आज जो खेत में मजदूरी करने वाला आदमी है वो भी मोबाइल से, महिला है जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उठा टेक है, वह भी जो है मोबाइल का प्रयोग कर रही है, ऐसे ट्रांजेक्शन वर्क भी हो जाएगा, व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। यहाँ पर हालांकि जो वर्कर है उनसे मैंने जब जानने की कोशिश की तो वो कैमरे पर बोलने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट है 11 अशोक ग्रोड यानी पार्टी मुख्यालय का, उनसे कहा गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पेटीएम और कार्ड स्वैप मशीन की सुविधा इस दुकान में भी कराई जाए, जिससे जो ग्राहक हैं उनको तकलीफ ना हो और जो फुटकर की दिक्कत है वो भी सामने ना आए। इसके बाद तो ये साफ है कि सरकार की नीति को उनकी अपनी पार्टी भी अब तक पूरी गंभीरता से अपनाती नहीं दिख रही। अब आपको कांग्रेस कैंटीन की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जो नोट बदली के सरासर विरोध में है। कांग्रेस के मुख्यालय में यानी 24 अकबर रोड के बाहर में खड़ा हूं और ये कांग्रेस का हेड ऑफिस है। आइए चलते हैं कांग्रेस के कैंटीन में और देखते हैं कि यहां का हाल क्या है। कांग्रेस मुख्यालय में अब हम देखते हैं कि पड़ताल करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ भी देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो रोज पार्टी मुख्यालय में आते हैं और यहाँ पर स्नैक्स और लंच और डिनर के लिए आते रहते हैं कैंटीन में। तो क्या यहाँ पर भी पेमेंट की कोई समस्या है, फुटकर की कोई समस्या है? क्योंकि बड़े नोट आ रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको बस यही समझा जा रहा है कि जो पेमेंट की दिक्कत ना आए उसके लिए कार्ड स्वैप करके पेमेंट होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए, चाहे वो पेटीएम हो या दूसरे ऐप हो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जरिया है, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि जब से ये नोटबंदी का फैसला हुआ है, बड़े नोट आ रहे हैं, क्या यहाँ कैंटीन में पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है या फुटकर की दिक्कत है? आ रही है जी, आ रही है। पहले तो 500 का नोट भी नहीं छुट्टा मिलता था, अब 2000 का कहाँ से छुट्टा मिलेगा? तो यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कार्ड स्वैप करके सुविधा नहीं है क्या? नहीं है। तारा चंद जी हमारे साथ हैं, मैनेजर हैं यहाँ के। सर क्या फर्क पड़ा है नोटबंदी के फैसले के बाद? पहले एक दो दिन में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बाकी अभी तो नॉर्मल है, सबका पास तो ऑलरेडी आ गया चेंज हो रहा, 2000 का नोट भी आ रहा है आजकल, अभी तो कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत है चेंजिंग का कोई। क्या आपने सुविधा की है कि यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं वो पेटीएम से या कार्ड स्वैप करा के पेमेंट करा सके? अभी तो फिलहाल हमारे पास वो सुविधा नहीं है, इन फ्यूचर के लिए हम सोच रहे हैं अभी कार्ड स्वाइपिंग का जो भी हो, पेटीएम ये जो आजकल जो भी ऑनलाइन आता है कैशलेस का, इन फ्यूचर का हमने वो सोच रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए वो बेटर है, क्योंकि चेंज का दिक्कत है, ये सब सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना ये।
क्योंकि हमें हमारा पास एक्चुअली हमने कैंटीन है, छोटा छोटा जो बिल इसलिए वजह से आता है, हम तो ये अभी कार्ड स्वाइप मशीन रखा नहीं है। आगे हमें ये सोच रहा हूँ आगे से ये कार्ड स्वाइप मशीन में रखेगा हमने। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो उतना ही ब्लैक मनी जो है उसका उपयोग कम होगा और बाजार से वो आउट होगा, तो उस दिशा में भी आप मानते हैं कि कार्ड स्वाइप कराना या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक अच्छा कदम है? अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, कैशलेस ही हो जाएगा तो अच्छा है, हमें भी अच्छा है, लोगों को सबके लिए अच्छा है। कुछ खरीदते हैं और कोई बड़ा नोट है तो फिर आप कैसे पेमेंट करेंगे? सर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, हाँ पंजाब से दिल्ली आए हैं, पैसा जेब में कोई नहीं है, 500 का नोट 1000 का नोट कोई भी ले नहीं रहा, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ये बिल्कुल गलत काम किया है, जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा या कार्ड स्वाइप करने की जहाँ जहाँ मशीनें होंगी वहाँ दिक्कत कम आएगी पेमेंट करने में, और ये मददगार होगा लोगों के लिए भी, और कहीं ना कहीं जो मकसद सरकार का है कि काला धन का इस्तेमाल ना हो, ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हो, जो भी ट्रांजेक्शन हो छोटे बड़े वो नज़र में हो, तो वो एक दिशा में काम किया जाए, इसके लिए सरकार लगातार अपील कर रही है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन किया जाए। लेकिन कई जगह जैसा आपने देखा कि बीजेपी के कैंटीन में पेटीएम की सुविधा दी गई है ग्राहकों को, जल्दी वहाँ पर कहा जा रहा है कि अप्लाई किया गया है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन लगाई जाएगी, लेकिन इस कांग्रेस की कैंटीन की बात करें तो अभी यहाँ इस तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई भी सुविधा नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी का कांग्रेस भले ही समर्थन करती हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस की कैंटीन में खुद आपने देखा कि भुगतान करने की कैशलेस कोई भी योजना ऐसी ना है, ना व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, और छोटे बड़े ट्रांजेक्शन कोई भी हों, जब बड़े नोट आते हैं तो यहाँ फुटकर की जो दिक्कत होती है वो कहीं ना कहीं आड़े आती ज़रूर है। हमारी टीम एनसीपी दफ्तर की कैंटीन भी पहुंची, जहां पेटीएम स्वाइप मशीन तो है ही नहीं, पर काम कैसे चल रहा है ये दिखाते हैं। अब मैं आ पहुंचा हूं बीडी मार्ग पर बने इस एनसीपी के दफ्तर में। ये एनसीपी का दफ्तर है और अब हम यहां देखेंगे कि यहां की कैंटीन कैसे संचालित की जा रही है, वहां भुगतान की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ दिक्कतें हैं या फिर सब कुछ ठीक ठाक है। एनसीपी ऑफिस के भीतर जैसे ही गेट से एंट्री करें तो सीधे हाथ पर ये काउंटर है, और यहाँ पर उस तरह की कैंटीन तो नहीं है जैसी बीजेपी और कांग्रेस के हेड ऑफिस में देखी गई है। यहाँ पर क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद लालटू है। नोटबंदी के फैसले के बाद क्या स्थिति है आपकी दुकान पर और क्या क्या आप खिलाते हैं लोगों को यहाँ जो लोग आते हैं कार्यकर्ता? हम लोग समोसा कचौड़ी खिलाते हैं सर, मगर अभी थोड़ा सा बिक्री बहुत थोड़ा सा अभी मंदा चल रहा है, और बाकी सब ठीक है। और ये नोट जो ये हुए हैं तो सबके लिए एक हिसाब से सही है कि बंद हुआ है, मगर ये है कि हम लोग थोड़ा सा जो बिक्री हुआ करता था अभी थोड़ा सा कम है। फुटकर की भी दिक्कत है उन सबके साथ, क्या बड़े नोट आते हैं क्योंकि आपका छोटा काम है, कम अमाउंट खर्च करते होंगे यहाँ लेकिन लोग बड़े नोट देते होंगे, वो भी एक दिक्कत आ रही है आप? जी जी, बड़े नोट तो देते हैं मगर हमारे पास खुला नहीं होने के कारण सर, हम खिला तो देते हैं मगर पैसा हम नहीं काट पाते हैं क्योंकि चेंज नहीं होते। आपने अब तक क्यों नहीं लगवाया कि आप कोई पेटीएम की सेवा लें या फिर कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन लगवाएं यहाँ पर? सर तो हमारे बस की बात नहीं ना ये सब लगाने के लिए सर। किसकी बस में है? जो यहाँ के बड़े बड़े काज करते हैं वो सब की है, तो हम तो लोग तो एक छोटा मोटा है, और चेंज का क्या करना, वो चेंज आते हैं मगर दे नहीं पाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि दिक्कत में है क्योंकि धंधा जो है, कारोबार जो इनका है वो मंदा हुआ है। मैं एक बार इनकी दुकान दिखाना चाहूँगा कि कचौड़ी समोसा यानी स्नैक्स भी है, कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है इस दुकान पर, और साथ ही साथ लंच की भी व्यवस्था इन्होंने की है, यानी खाना भी बनाया जाता है। और यहाँ पर लोग अब कम होते जा रहे हैं, आमद कम हुई है, जैसा कि इनका कहना है कि जो पहले लोग आते थे अब उतने नहीं आ रहे हैं, चाय भी बनाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में भुगतान की समस्या से ये भी जूझ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात हुई, आपने भी सुना कि फुटकर की समस्या ज़रूर है, उनका कहना है कि जो लोग आते भी हैं वो अगर बड़ा नोट देते हैं तो एक समस्या ये आ जाती है कि बाकी जो पैसे वापस करने हैं उतने फुटकर इनके पास होते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि चिंताएं उनकी अपनी जगह हैं, चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन व्यवस्था यहां पर उस तरह की अभी तक नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नोट बदली के विरोध में सबसे मुखर हैं।
ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि उनके राज्य की कैंटीन में क्या हालात हैं। देखते हैं। पश्चिम बंगाल से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये बंग भवन है और ये दिल्ली में हेली रोड पर बना ये बंग भवन। यहाँ पर तमाम तरह के नेता कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से आते हैं और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत कैंटीन की व्यवस्था कैसी है, क्या भुगतान की व्यवस्था है और किस तरह की सहूलियतें या किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ की कैंटीन में, आइए अब हम आपको तमाम कैंटीन दिखाएंगे मैंने आपको। उसके बाद अब हम आपको बंग भवन की कैंटीन दिखाते हैं। बंग भवन की पहली मंजिल पर ये कैंटीन है, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी फ़िलहाल कुर्सियाँ सब खाली हैं क्योंकि इनका कहना है कि एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग से ही यहाँ पर सर्विस दी जाती है। अरिंदम जी जानना चाह रहे हैं कि पेमेंट का क्या मोड है आपके यहाँ, लोग कैसे भुगतान करते हैं? पेमेंट तो हम सर एक्चुअली EDC मशीन से मिलते हैं, उसको स्वाइप करने के बाद जो आता है। और प्रॉब्लम तो हो रहा है सर, 2000 का जो नोट आया है, जो कस्टमर हुआ गेस्ट कोई 300 के 250 रुपये में कुछ बिल होता है, तो चेंज देना तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। चेंज देने की बात जो आती है तो हम लोग क्या करें, सबके पास तो कार्ड नहीं है, सबके पास ATM यूज़ नहीं करते, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और सर्वर भी डाउन रहता है, तो फिर दिक्कत तो आया है। बट अब तक ठीक है, सही चल रहा है, सही हो रहा है धीरे धीरे। तो केवल आपने ये मशीन कार्ड स्वैप करने के लगा रखी है या और भी कोई विकल्प है जिससे पेमेंट किया जा सके? पेमेंट किया जा सके जैसे कोई विकल्प रास्ता ऐसे कोई नहीं, एक कैश है और कार्ड ही है बस। कैश है और कार्ड है। जैसा आपने सुना, इनका कहना है कि प्रॉब्लम हो रही है, शुरू में ज़्यादा थी लेकिन अब कम है क्योंकि कार्ड स्वैप करने की मशीन इन्होंने काउंटर पर रखी हुई है। इनका ये कहना है कि जो नेता आते हैं, जो गेस्ट हाउस में यानी बंग भवन में जो रुकते हैं, जिनको सर्विस उनके कमरों में दी जाती है, उनके ज़्यादातर जो पेमेंट हैं वो अब लगभग कार्ड से ही हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट में आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं और जो कैश से पेमेंट करते हैं, उन लोगों का भुगतान या उन्हें वापस पैसे देने में लेने में फुटकर की जो समस्या है बाजार में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर भी है। नीतीश विपक्ष के पहले और शायद अकेले बड़े नेता हैं जो खुलकर नोट बदली के साथ खड़े हैं। तो नीतीश के बिहार भवन की कैंटीन भी कुछ हद तक कैशलेस सिस्टम को फॉलो करती दिख रही है। कैंटीन में भुगतान प्रक्रिया की पड़ताल करते हुए मैं पहुंच गया हूं बिहार भवन। हमारे पीछे आप बिहार भवन देख रहे हैं और यहां पर रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है। तमाम आला अधिकारी, बिहार के प्रशासन से जुड़े हुए बड़े अधिकारी यहां आते हैं, ठहरते हैं। आइए यहां की कैंटीन का हम हाल जानेंगे कि आखिर यहां भुगतान में क्या कुछ दुश्वारियाँ हैं या फिर यहाँ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की कैंटीन का हाल। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो भी खाना खा रहे हैं। इस कैंटीन में भी गौर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग खाना खा रहे हैं, क्या भुगतान की समस्या है उनके आगे या नहीं, उनके सामने कैसे पेमेंट होता है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी राज श्रीवास्तव। राजी, जो लोग रूम सर्विस लेते हैं या जो कैंटीन में खाना खाने आते हैं, पेमेंट करते हैं, आजकल जो बड़े नोट ज्यादा हैं चलन में, तो क्या भुगतान की किसी तरह कोई समस्या आ रही है? नहीं, अभी इस समय तो नहीं आ रही है, शुरू में जब था आया था उस समय, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी तो जो भी आता है चेंज लेके आ ही जाते हैं सब लोग, लमसम में 100-100 नोट सबको मिल जाता है। अब मार्केट में कई लोगों ने पेटीएम या फिर कार्ड स्वाइप मशीन लगवा ली है, क्या ये सुविधा है आपके पास? पेटीएम की सुविधा है हमारे पास, पेटीएम से हम लोग बना कर लेते हैं गैस। बाकी अभी स्वैप मशीन तो अभी नहीं लगा है, स्वैप मशीन का भी आगे लगेगा। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि पेटीएम की सुविधा तो है लेकिन जो कार्ड स्वैप मशीन है उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ये फॉलो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि अप्लाई किया है, कुछ आने वाले दिनों में जो मशीन लगेगी। यहाँ जो लोग खाना खा रहे हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि भुगतान की समस्या से क्या कोई समस्या आ रही है आपको? अभी तो कोई आया नहीं है, पहले प्रॉब्लम थी शुरू में, अभी ऐसी कोई मार्केट अवेलेबल हो जा रहा है भाई, कोई परेशानी नहीं है, पहले थी परेशानी, अब 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इनका भी कहना है कि कोई अब ऐसी बड़ी समस्या नहीं है पैसे के लेन देन की यानी भुगतान की। तो जो भी लोग खाना खाते हैं, जो रूम सर्विस लेते हैं, वो या तो कैश में पेमेंट करते हैं यानी उनके पास कहीं ना कहीं फुटकर की व्यवस्था होती है, जिनके पास नहीं होती है वो पेटीएम की भी मदद ले लेते हैं। बिहार भवन के बाद मैं पहुंच गया हूं बिहार निवास, चाणकपुरी में ये बिहार निवास, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के तमाम मंत्री, विधायक,
तमाम बड़े नेता यहाँ आकर ठहरते हैं और यहाँ की कैंटीन में क्या व्यवस्था है, आइए पड़ताल करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं, उन्हें नहीं जानेंगे कि आखिर यहाँ पर भुगतान की व्यवस्था क्या है और क्या कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट को लेके। सर यहाँ किसी तरह कोई परेशानी नहीं है जी? अब तो कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ जो चेंज पैसे होते हैं वो थोड़े लोगों के पास कम है, तो कम पैसे के लिए जो चीज़ें लेनी होती हैं 100-50 उनमें परेशानी अभी आ रही है। तो यहाँ अभी कैश में ही भुगतान होता है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी कोई सुविधा है? मेरे ख्याल से कैश का ही ऑप्शन है, तो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे हम लोग यहाँ पास की यूनिवर्सिटी से हैं तो कितनी बार यहाँ पर ये लोग ऐसे भी दे देते हैं, बाद में पेमेंट कर देते हैं हम। बहुत सारी जगह पेटीएम या जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ज़रिया हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि भुगतान में अब जो एक प्रेशर था कि बड़े नोट हैं मार्केट में, फुटकर की दिक्कत है, इस कैंटीन में ना तो पेटीएम की सुविधा है ना कार्ड स्वाइप करने की सुविधा है, आपको लगता है ये सुविधा होती तो सहूलियत लोगों को ज़्यादा होती? बहुत सहूलियत होती, लेकिन अभी क्या है कि जो बैंक्स जो है वो मतलब स्मॉल नोट्स दे रहे हैं जैसे 20 का 50 का दे रहे हैं, तो थोड़ा रिलीज हुआ है प्रेशर, पहले से बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 2000 का ही नोट दे रहे हैं, तो बैंक्स भी दे रहे हैं स्मॉल नोट्स, तो ठीक है अभी मार्केट में। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की एक सुविधा लोगों ने रखी है, चाहे वो पेटीएम ऐप के जरिए ट्रांसफर करें या कार्ड स्वाइप करने की, आपके पास तो एक भी सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों? हमारा कैश चलता है, खाली कैश है और वो हम अप्लाई नहीं कर रहे, वो आए थे बैंक वाले कह रहे थे वो रख लो, नहीं उतना वो नहीं है। अगर आप रखेंगे तो आपको आपको भी सुविधा होगी, लोगों को भी सुविधा होगी, आप मानते हैं? हाँ हाँ ये तो है, मगर ये सोचा है हमने भी, बात करी है रखेंगे उसको, कार्ड स्वैप करने वाला मशीन और वो दोनों रखेंगे। लोगों का ये कहना है कि अगर ये सुविधा होती तो सहूलियत ज़्यादा होती। इनका भी कहना है सूरज जी का कि हम आने वाले दिनों में व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ इस तरह यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। तो ये बिहार भवन के हालात थे। अब जरा उत्तर प्रदेश भवन की कैंटीन को भी देख लीजिए। सरदार पटेल मार्ग पर ये उत्तर प्रदेश भवन, और यहां भी अच्छी खासी सियासी हलचल रहती है। यूपी के तमाम नेता अक्सर यहां आते रहते हैं, और यहां की कैंटीन की व्यवस्था क्या है यानी भुगतान किस तरह से होता है, क्या यहां भी कोई समस्या है, हम पड़ताल करेंगे उत्तर प्रदेश भवन की कैंटीन का। यूपी भवन की एक कैंटीन है और देखिए लिखा है भोजनालय कक्ष, माननीय विधायक एवं अधिकारी। आइए कैंटीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि व्यवस्था यहाँ की क्या है। इस कैंटीन में जो भी लोग आते हैं यूपी भवन में रुकते हैं वो यहाँ पर खाना खाते हैं। फिलहाल तो यहाँ ज़्यादातर जो मेज कुर्सियाँ हैं वो खाली हैं, चूँकि यहाँ पर भी अन्य जो गेस्ट हाउस है उनकी तरह एक टाइम होता है। कैंटीन में या यूपी भवन में यहाँ भुगतान की व्यवस्था क्या है, कैश या ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है? यहाँ कुछ भी नहीं भुगतान का क्या व्यवस्था, कैश देना पड़ रहा है। छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ लोगों ने पेटीएम या कार्ड स्वैप मशीन रखी है, अगर वो सुविधा हो तो आप मानते हैं कि सहूलियत होगी? बिल्कुल सहूलियत होगी। देखिए जब मोबाइल आया था तो लोग केवल उससे फ़ोन पे बात करते थे, अब मोबाइल इतना हाईटेक हो गया है कि लोग मोबाइल से सारे काम करने लगे, तो ठीक है अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, अच्छी चीज़ है। आपने क्या बात की है अपने बड़े अधिकारियों से कि यहाँ मशीन लगवाई जाए जिससे कार्ड से पेमेंट हो जाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए? नहीं फिलहाल अभी तो हम लोगों ने कोई बात नहीं की है, अब अधिकारियों के नॉलेज में है, कुछ करेंगे इसके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़ार के तो बंदी हो गए हैं, 2000 के नोट आते हैं उसमें खुलने के लिए लोग इधर भागते उधर भागते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गेस्ट भी जो देते हैं 2000 से नीछे कुछ नोट नहीं देता, किसी के पास सही नहीं छुट्टे, ये प्रॉब्लम हो गया। अलग अलग गेस्ट हाउस की व्यवस्था जो दिखाई उसी कड़ी में यूपी भवन की हाल का हाल ये है कि यहाँ पर ना तो कार्ड स्वैप करने वाली मशीन है ना पेटीएम की सुविधा है, लोग आते हैं बड़े नोट लेके और काउंटर पर भी जो फुटकर की दिक्कत होती है उससे आए दिन दो चार होना पड़ता है। कैशलेस सिस्टम लागू करते हुए सबसे पहले संसद भवन की कैंटीन में कार्ड से पेमेंट शुरू हुई थी, वहां क्या खास किया गया आपको ये भी दिखाते हैं। संसद परिसर में अब जो भी भुगतान किया जाएगा वो कैशलेस हो सकता है, यानी जो फुटकर की समस्या आ रही थी बाजार से लेकर अन्य जगहों पर देखी जा रही थी, संसद परिसर में भी कैंटीन से लेके जो अन्य तमाम वो काउंटर जहां भुगतान किया जाता था वहां पर
नोट जो बड़े नोट थे उनकी वजह से फुटकर की समस्या आ रही थी, और इसलिए ये फैसला किया गया कि संसद परिसर के अंदर 19 काउंटर ऐसे हैं जहां पर पैसे लोग देते हैं, सामान लेते हैं, चाहे वो कैंटीन हो या और स्टोर जो हैं जहां पर कुछ और अन्य सामान मिलता है। तो ऐसी तमाम जगहों पर कुल 19 जगह हैं जहां पर ये सुविधा शुरू कर दी गई है कि अब संसद परिसर के भीतर कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। तो जो मोदी सरकार बार बार अपील कर रही है, जो कोशिश है उनकी कि कैशलेस ट्रांजेक्शन हो जिससे जो भी लेन देन हो वो ऑन रिकॉर्ड रहे, कहीं किसी तरह की हेराफेरी ना हो, उस दिशा में भी ये जो फैसला है ये वाकई अहम फैसला है। तो संसद में भी अब जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के जरिए लोग अपना काम चला सकते हैं, वहाँ पर भुगतान कर सकते हैं, अब जो फुटकर की समस्या थी वो आड़े नहीं आएगी। कैमरामैन निहाल के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।